हेलो गाइस, मैं आपका अपना मैडी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज गाइस मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि वोटर आईडी कार्ड एंड आधार कार्ड कैसे लिंक करना है आपको, कैसे आप वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यदि गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने मिलते रहें। तो चलिए गाइस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस ये ऐप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो इस ऐप को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप जब लॉगिन हो जाएंगे उसकी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक में दे दूँगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ वोटर रजिस्ट्रेशन पर आना है। वोटर रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद गाइस यहाँ सबसे नीचे देखेंगे आप आधार नंबर सबमिशन फॉर्म 6B, तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ नीचे लेट स्टार्ट जहाँ दिख रहा है वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ यस आई है वोटर आईडी नंबर और उस पर आपको वहाँ पे पहले से ही क्लिक रहेगा और आपको यहाँ नीचे आना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे वोटर आईडी नंबर आपका डालना है और नीचे आपको यहाँ पे स्टेट डालना है। तो यहाँ मैं वोटर आईडी नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ गाइज। तो आपको गाइज इस तरीके से डाल लेना है। एंड इसके बाद यहाँ फैच डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। फैच डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको नीचे ऐसा लिख के आएगा, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर वोटर आईडी, प्लीज़ क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। फिर उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। एंड वहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं आपका जो वोटर आईडी में नाम, एड्रेस, पापा का नाम और जो भी है वो इन्फॉर्मेशन इस टाइप का आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद आपको एक बार और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप आधार नंबर डिटेल मांग रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है एंड नीचे मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और प्लेस ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद मतलब लिखने के बाद बताता हूँ। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी और प्लेस ऑफ जबलपुर, प्लेस ऑफ एप्लीकेंट जबलपुर लिख देना है। एंड मोबाइल लिखने के बाद, मोबाइल नंबर लिखने के बाद गाइस आप यहां बाजू में देख रहे हैं वेरीफाई करना है अभी आपको मोबाइल नंबर, तो वहां पे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद गाइस हमारे नंबर पर एक OTP आया है, वो OTP हमें यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पे OTP डालते हैं गाइस, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं OTP आ चुका है। एंड OTP डालने के बाद गाइस यहाँ हमें सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। एंड आप देख सकते हैं गाइस OTP वेरीफाइड हो चुका है। अब सिंपली हमें यहाँ डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद गाइस जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी थी तो अब वहाँ पे हमें नीचे बोल रहा है कि कंफर्म कर लीजिए आप, तो हमें यहाँ पे सिंपली कंफर्म कर लेना है। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेस हो चुका है। यदि गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने मिलते रहें। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइज़।